नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पाइस विद फ्लेवर में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और सूजी से बनने वाला बहुत ही बेहतरीन नाश्ता, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कप सूजी ले ली है और ये नॉर्मल सूजी है, मोटी नहीं है ज़्यादा। और एक पैन रख लिया है मैंने और इसमें अब डाल लेंगे 2 कप पानी और इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, कसूरी मेथी डाल लेंगे 1 चम्मच के करीब और 1/2 चम्मच डाल लेंगे अजवाइन और इसे मिला लेंगे। अब इसमें ऐड कर लेंगे 2 चम्मच के करीब तेल। तेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, सरसों तेल, रिफाइंड तेल, कोई सा भी आप डाल सकते हो इसमें। और इसमें पानी उबलने के बाद ऐड कर लेंगे सूजी। 1 कप सूजी में हम 2 कप पानी इसमें यूज़ कर रहे हैं और मिला लेंगे अच्छे से। और इसे इसी तरीके से हमें चलाते रहना है जब तक ये एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाता है। ये देखिए, इसका पानी जो है वो सूखना स्टार्ट हो गया है और इसको ऐसे ही चलाते रहना है। ये देखिए, ये हमारा जो है सूजी का डो बनके तैयार हो गया है। गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। और इसे अच्छे से फैला देंगे ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। ये देखिए, डो जो है हमारा ठंडा हो गया है। हाथ पे मैंने जो है तेल लगा लिया है और इसको अच्छे से अब हमें मसल लेना है। ऐसा करने से सूजी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और ये देखिए, मसलते हुए ये इस तरीके से हमारा डो जो है सॉफ्ट सा तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 उबले हुए आलू और इनको अब मैश कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसे मैश कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे, बिल्कुल सॉफ्ट से बना लेने हैं। और इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच डाल लेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/2 से कम चम्मच डाल लेंगे अजवाइन और उतने ही मात्रा में हम डाल लेंगे काली मिर्च पाउडर और मिला लेंगे इसे अच्छे से। ये देखिए, हमारी जो फिलिंग है वो बनके तैयार हो गई है। अभी हमने डो में से एक लोई ले ली है, बड़े साइज़ की लेनी है और इसे एक चपाती की तरह बेल लेना है और हमें ये चपाती से थोड़े मोटी साइज़ की ही बेलनी है। ये देखिए, इस तरह से हम बना लेंगे। और एक नोक वाली कटोरी है, जैसे ये नुकीली से आगे से रहती हैं, उसको लेंगे और इससे जो है इसकी छोटी छोटी सी चपातियां बना लेंगे इस तरह से गोल गोल सर्कल। और एक्स्ट्रा वाला हम जो है पार्ट निकाल लेंगे, उसको अगले वाले जब बनाएंगे तो उसमें यूज़ कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मेरी छोटी छोटी सी ये चपातियाँ बन गई हैं, थोड़ी सी मोटे से साइज़ की। तो ये ज़्यादा मुझे छोटी लग रही थी तो हल्की से मैंने इसे बेल लिया है। अगर आपको इतनी ही ठीक लगती हैं छोटे साइज़ की तो आप इतने में भी बना सकते हो। तो देखिए, इसी तरह से मैंने सारी जो हैं बेल ली हैं
और अब हम इसमें कर लेते हैं स्टफिंग आलू की, और इसे हम हाथ में रख लेंगे एक को, और उसके अंदर इस तरह से एक साइड से फिल कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लेंगे किनारों में और इसे बंद कर लेंगे इसे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से आप बंद करके भी इसे बना सकते हो। ये देखिए अब मैं दूसरी वाली दिखाती हूँ। तो फिर से एक ले लेंगे और इसमें फिलिंग कर लेंगे आलू की, और इस वाली को अब मैं बंद नहीं करूँगी, इसको मैं खुला ही रहने दूँगी। साइडों से हल्का हल्का सा इसे बंद कर लेंगे और अच्छे से इसे फिल कर लेंगे स्टफिंग को। ये देखिए इस तरह से आप शेप दे सकते हो अच्छे से फिंगर्स से, और ये देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। और मैंने सारी बना ली हैं, तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाल लिया है मैदा, और ऐड कर लेंगे पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो इसका अच्छा से हम जो है घोल बना लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हम वाइंडिंग के लिए बना रहे हैं इसे। ये देखिए अब हम एक ले लेते हैं और इसको कर लेंगे डिप, और दोनों तरफ से इसे अच्छे से इसमें लपेट लेंगे। इसे निकाल लेते हैं, इसी तरह से दूसरी वाली भी कर लेंगे। इससे जो है अगर खुली वाली हम बनाते हैं इसका सूजी का नाश्ता, तो वो बाहर नहीं निकलेगा, मैदे से बाइंड हो जाएगी इसकी अच्छे से। ये देखिए आप डायरेक्ट ऐसे डाल के निकाल के फ्राई भी कर सकते हो, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से इसे कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे ये तीन जो हैं बना ली हैं। तो पैन में मैंने रख लिया है सरसों का ऑयल, और ये गर्म हो चुका है, इसमें अब हम डाल लेंगे सूजी का नाश्ता। आप अपने बर्तन के हिसाब से डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं 4 जो है डाल रही हूँ। लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। और इसी तरह से हमें इसे फ्राई करना है। अब पलट लेंगे इसे दूसरी तरफ, देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, और 2 मिनट के बाद हम फिर से इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए हमारा सूजी का नाश्ता जो है वो बनके तैयार हो गया है, इसे निकाल लेंगे अभी प्लेट में। इसी तरह से मैंने सारा नाश्ता बना लिया है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये नाश्ता बन गया है, आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। इसको जैसे ही तोड़ा है बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी सा बना है, बहुत ही अच्छी इसकी जो है आवाज़ आ रही थी क्रंच की। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।